हेलो एवरीवन, हम मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और हमने पहले दो क्वेश्चंस बहुत डिटेल में समझ लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन कम टू दिस लेक्चर एंड टैली दिस विद माय सॉल्यूशन। अगर आपका आंसर टैली हो जाता है बच्चों, तो आपको अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट ओके, ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से सॉल्व करते आ रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये लेक्चर जब आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट प्लीज एंश्योर दैट यू एटलीस्ट ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। बोथ द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस, आपको ऑप्शन है इस क्वेश्चन पेपर में। आपको ऑप्शन नंबर ए में आया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, और ऑप्शन नंबर बी में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको दोनों भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कोई भी एक आपको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। सो नाउ लेट अस बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस रीड द प्रॉब्लम। हेमा, मनीषा एंड लिम्सी वर इन पार्टनरशिप sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2019 and the balance sheet as on that date stood as under. हमें balance sheet दिया गया है, कुछ adjustments दिए गए हैं, और क्या पूछा है देखो, prepare realization account, partners capital account and bank account. तो पहले हम formats बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें लिखना है realization account। ये किसके बुक्स में है? सो आई एम गोइंग टू राइट द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्म। कुछ नहीं दिया गया तो यहां पे हम लिख देंगे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट। तो यहां पे लिख देंगे बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले क्या दिया है, द फर्म वॉज डिसॉल्वड ऑन 31st March 2019 एंड एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। तो सबसे पहला क्या है, मशीनरी रियलाइज 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मशीनरी कितने पे दिख रही है बुक्स में, देखो 1 लाख पे, तो यहां पे मैं स्टार कर देती हूँ। आगे आउट ऑफ डेटर्स मिस्टर जगदीशा कस्टमर ऑफ 20,000 वॉज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, अदर डेटर्स आर गुड एंड रिकवर्ड एंड रियलाइज। मतलब डेटर्स भी कैसे रियलाइज हुआ है वो भी हमें दे दिया गया है। हेमा टुक स्टॉक एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 50,000, तो स्टॉक भी चला गया। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट 10% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। लिम्सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर इस्टेट। तो ये वन पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होता है वो वाला प्रॉब्लम हमें दिया गया है। तो आफ्टर रीडिंग यहां तक अगर आपको ऐसे लग रहा है बच्चों दैट कोई डिफिकल्टी है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर बी जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला प्रॉब्लम है, गो थ्रू दैट प्रॉब्लम एंड देन दोनों में कंपेयर करके यू डिसाइड विच एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। दोनों भी आधे आधे सॉल्व करके मत आ जाना, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। दोनों में से आपको सबसे अच्छा क्या लिखते आएगा वो आप देखिए और वो सॉल्व करिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब कोई भी प्रॉब्लम डिसोल्यूशन का होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स क्या क्या है हमारे, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक। तो तीनों भी एसेट्स आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, क्या है अमाउंट्स, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक 1,50,000 and 70,000, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, आउटो कॉलम 2,20,000, ठीक है। और क्या है देखो यहां पे, कैश एट बैंक 30,000। हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो अकाउंट में हम 30,000 बैलेंस लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑलराइट। और क्या दिया गया है, लिम्सी कैपिटल अकाउंट, देखिए एसेट साइड पे है मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पे 20,000 आएगा लिम्सी के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड पे आपको 20,000 लिखना है, बी वेरी वेरी केयरफुल हियर, ओके। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑलराइट। आगे क्या है,
एसेट साइड हो गया है, अभी लाइबिलिटीज साइड में हेमा और मनीषा का कैपिटल है 150 एंड 80, तो उनके कैपिटल अकाउंट में अभी चलेंगे और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 150 and 80,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, और क्या है, रिजर्व फंड है 10,000 का, तो रिजर्व फंड का क्या करेंगे हम, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5:3:2, मतलब ये जो 10,000 है इसे मुझे डिवाइड करना है अपॉन 10 × 5, 10,000 upon 10 × 3 एंड 10,000 upon 10 × 2, 5,000, 3,000 and 2,000। तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय रिजर्व फंड 5,000, 3,000 and 2,000, करेक्ट। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,000, बिल्स पेबल है 10,000, दीज आर माई आउटसाइड लाइबिलिटीज, सो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर देम टू माई रियलाइजेशन अकाउंट। तो मेरी एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पे हम लिख देंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स टेबल 20,000, 10,000, आउटर कॉलम 30,000, ठीक है। अभी कुछ बचा है कि हमारे बैलेंस शीट में, ओके देखिए अभी बैलेंस शीट के हमने सारे आइटम्स ट्रांसफर कर दिए, नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज मशीनरी रियलाइज 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। हमें मशीनरी बेच के अगर कुछ पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है यहाँ पे देखो, 60%, मतलब 1 lakh का 60%, दैट इज 60,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय बैंक अकाउंट, मशीनरी बेच के आया है 60,000, और सारे एसेट्स बेच के जो पैसा मिलेगा देन आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट टू माय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो और क्या बेचा है, लेट अस सी, आउट ऑफ द डेटर्स जगदीश आर कस्टमर्स फॉर 20,000 वाज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, अदर डेटर्स वर गुड एंड रिकवर्ड एंड रियलाइज्ड। मतलब जो टोटल डेटर्स है हमारे 50,000 के, उसमें से 20,000 डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट है, तो कितने का पैसा मिल गया है हमें, 50 - 20, दैट इज 30,000, वो पैसा मिला, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000। तो यहां पे मैं लिख दूंगी 30,000 डेटर्स से मिला है पैसा, ठीक है। और कुछ पैसा मिला है क्या हमें एसेट बेच के, कुछ भी नहीं मिला, तो ये हम एंट्री पास कर देंगे हमारे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। तो बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे 90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलराइट, ओके। थर्ड क्या है देखो, हेमा टुक स्टॉक एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 50,000, हमारे पार्टनर ने हमारा एसेट ले लिया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हेमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000। तो हेमा के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय हेमाज अकाउंट 50,000, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन का आपको दो इफेक्ट देना है, ये याद रखिए तो गलती ही नहीं होगी, ठीक है। आगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट 10% डिस्काउंट, कितने पे दिख रहे हैं देखो, क्रेडिटर्स आर अपियरिंग एट 20,000, 10% डिस्काउंट पे किया है, मतलब 2,000 माइनस करना है, तो कितना हो गया 18,000 मेरा पेमेंट हो गया। तो मेरी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक 18,000, यहां पे मैं लिख दूंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स 18,000, और किसे पे किया, बिल्स पेबल को भी पे किया है हमने
10,000 के है 10% डिस्काउंट, मतलब 1,000 डिस्काउंट, मतलब 9,000 पेमेंट हुआ है। तो यहां पे मैं लिख दूंगी बिल्स पेबल 9,000, आउटो कॉलम 27,000, ठीक है। ये मेरी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 27,000। ऑलराइट, अच्छा अभी और कुछ बचा है क्या? लेट अस सी लास्ट क्या दिया है। देखो लिम्सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। लेट अस सी वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लेट अस सी डेबिट एंड क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, ठीक है। मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,47,000, ठीक है। डेबिट साइड की टोटल है 247, दिस इज माय रफ वर्क, ओके। और क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 170,000। मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहाँ 2,47,000 लिख देती हूँ। और डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो लॉस वी विल हैव टू डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट, दिस इज 77,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 77,000। और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों भी पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। सो लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट्स। हेमा, मनीषा एंड लिम्सी 38,500, 23,100, 15,400, ठीक है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ₹38,500, 23,100, 15,400. Now let us do the totals of the partner's capital account. हमें बोला गया है that Limsy was insolvent. तो सबसे पहले हम Limsy के account का total करेंगे. So debit side की total कितनी आ रही है? 35,400. She is insolvent, so debit side की total ज्यादा होगी 35,400. Okay. Asset side पे there is सिर्फ There is only 2,000, that means 33,400 की deficiency आ रही है, right? इतने से deficient है Limsy. This deficiency will be transferred to the solvent partners in their profit sharing ratio. Solvent partners कौन है? Hema and Manisha. इनका profit sharing ratio is 5:3, right? तो मुझे 33,400 को इस ratio में divide करना है. तो हमारी entry क्या आ जाएगी? Hema's capital account debit. मनीषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लिम्सीज कैपिटल अकाउंट 33,400, ठीक है। तो चलो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट्स बाय हेमाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 20,875 एंड बाय मनीषाज कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज 12,525। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा दोनों भी पार्टनर्स के डेबिट साइड पे, तो यहां पे हम लिख देंगे टू लिम्सीज अकाउंट, ₹20,875 and ₹12,525, ठीक है। नाउ लिम्सी का अकाउंट तो अभी हमारा टैली हो गया, अभी जो बचे हुए दोनों पार्टनर्स है उनका अकाउंट अभी हमें टैली करना है। तो बचे हुए दोनों पार्टनर्स का टोटल क्या आ रही है, लेट अस सी। हेमा के अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल है 1,55,000 और डेबिट साइड की टोटल मेरी आ रही है 1,09,375। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे 1,55,000 लिख देती हूँ। और जो डिफरेंस है दैट इज द अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी पेड टू हेमा। कितना आ रहा है देखो डिफरेंस, 45,625. This is Hema's capital account debit to
बैंक अकाउंट। ऑल राइट, सिमिलरली मनीषा का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड की टोटल है 83,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 35,625। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे मैं 83,000 लिख देती हूँ। तो द अमाउंट पेएबल कम्स टू 47,375। ऑल राइट, अभी ये दोनों अमाउंट्स हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं एंड इफ एवरीथिंग हैज बीन डन करेक्टली हमारा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। सो लेट अस मूव टू द बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है बाय हेमा'स कैपिटल अकाउंट 45,625 एंड बाय मनीषा'स कैपिटल अकाउंट 47,375। देखो टोटल क्या आ रही है, दिस टोटल इज कमिंग टू 1,20,000। 1,20,000 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया है। दैट मीन्स हमारा जो डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है, दिस वी हैव सॉल्व करेक्टली। जिन्होंने भी खुद से अटेम्प्ट किया और जिनका ये सही आंसर आया है, वेरी गुड, यू डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। और अगर किसी को कुछ नहीं आया है, आई होप आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए हैं। नाउ लेट अस मूव टू सॉल्विंग पार्ट बी, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आप ये सॉल्व करे हैं बच्चों, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पेपर में। बट राइट नाउ आई वुड एडवाइस यू टू गो थ्रू द एंटायर सॉल्यूशन दैट आई हैव गिवन यू ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस इज ऑप्शनल और नॉट। गो थ्रू एवरीथिंग ताकि सारा आपका रिवाइज हो जाता है। इन द क्वेश्चन पेपर यू कैन डिसाइड एंड चूज विच वन यू वॉन्ट टू सॉल्व। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू पार्ट बी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। देखो आपको एग्जाम में इस तरह से और दिया रहेगा, ठीक है, सो दैट यू देयर इज नो कंफ्यूजन कौन सा सॉल्व करना है, दोनों में से एक सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुलोचना फॉर 25,000। राजेश ड्रॉज अ बिल फॉर 25,000 ऑन सुलोचना फॉर 3 months। ही इज ड्रॉइंग द बिल, दैट मीन्स राजेश इज द ड्रॉवर एंड सुलोचना इज द ड्रॉई। ठीक है, राजेश डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 10% पर एनम ऑन द सेम डे। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल सुलोचना रिक्वेस्टेड राजेश टू एक्सेप्ट 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट एंड टू ड्रॉ अ बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 months। इसका मतलब रिन्यू हो रहा है बिल। ठीक है, राजेश अग्रीड टू दिस प्रपोजल। 1 month बिफोर द ड्यू डेट सुलोचना रिटायर्ड द बिल फॉर 20,200। मतलब अभी रिटायरमेंट ऑफ बिल भी हुआ है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजेश, मतलब ड्रॉवर के बुक्स में हमें एंट्रीज पास करने हैं। तो इस तरह फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल का और यहां पे लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ राजेश, इन द बुक्स ऑफ राजेश। ठीक है, अभी सबसे पहले यह एंट्री क्या आ जाएगी, राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुलोचना फॉर 25,000। सेल हुआ है तो एंट्री आ जाएगी सुलोचना अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। डेट नहीं दी गई है तो हम नंबर लिख लेंगे, सुलोचना अकाउंट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट 25,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे डॉट डॉट मत करिए, प्रॉपर नरेशन लिखिए। ऑल राइट, आगे राजेश ड्रॉज अ बिल फॉर 25,000 ऑन सुलोचना फॉर 3 months। बिल ड्रॉ किया तो एंट्री क्या आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुलोचना। सो लेट्स राइट दिस डाउन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू सुलोचना अकाउंट 25,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके, इस तरह आपका नरेशन आएगा। ऑलराइट, आगे राजेश डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 10% पर एनम। डिस्काउंट किया है बैंक में तो पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस होंगे। वो कितने हैं, देखो 25,000 पे कितना परसेंटेज, 10%, एंड द बिल इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 months। तो ये आ रहा है 625 रुपीज। तो कितना पैसा मिलेगा, 25,000 माइनस 625, दैट इज 24,375। तो मेरी एंट्री यहां पे क्या आ जाएगी,
बैंक अकाउंट डेबिट 24,375, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये मेरा लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 625, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स अभी बिजनेस में से बाहर जा रहे हैं, राइट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। ये पूरा नरेशन आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चों नरेशन कैरी मार्क्स, ओके? तो इसे भूलना नहीं है, प्रॉपर नरेशन लिखना है, ठीक है? आगे, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल सुलोचना रिक्वेस्टेड राजेश टू एक्सेप्ट 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट, ठीक है? यहाँ पे रिन्यू हो रहा है बिल, तो हमने रिन्यूअल में क्या देखा है, सबसे पहले क्या होता है, जो ओल्ड बिल है उसे हमें कैंसिल करना है। सी नथिंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दिस इज इम्प्लाइड, तो आपको पहले एंट्री पास करनी है ओल्ड बिल के कैंसिलेशन की। अभी ओल्ड बिल हमारे पास नहीं है, इट इज देयर विद द बैंक, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, सुलोचना अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। तो यहां पे सबसे पहली एंट्री हमारी आएगी सुलोचना अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट 25,000, नरेशन बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। देखिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं दिया गया है, बट दिस इज इम्प्लाइड, अगर रिन्यू होता है तो सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करो, ओके? अभी एंट्री आ जाएगी, अगर आप कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो सुलोचना को तो वो एंट्री आएगी। हमें क्या दिया गया है, देखो इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट, मतलब हमने कुछ इंटरेस्ट लिया है 1,000 रुपीज का, तो सुलोचना को हमें डेबिट करना है बिकॉज इंटरेस्ट इज आर इनकम। सो सुलोचना अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट 1,000, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी सुलोचना अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑफ 1,000 रिसीवेबल, ठीक है? ऐसे स्टेप बाय स्टेप करिए, रिन्यूअल में बिल्कुल गलती नहीं होगी। पहले कैंसिल कर दिया, फिर इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, अभी कुछ पैसा मिला है क्या, लेट अस सी कितना मिला है पैसा, 5,000 पैसा मिला है, तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुलोचना 5,000। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू सुलोचना अकाउंट 5,000, नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सुलोचना, ओके? अभी आगे क्या दिया गया है, देखो एंड ड्रॉ अ बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स। अभी बैलेंस कितना है, बिल कितने का ड्रॉ होगा, तो हम क्या करते हैं सुलोचना का अकाउंट बना लेते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस, ठीक है? सुलोचना का हम रफ फॉर्मेट में यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं। देखिए सुलोचना को डेबिट किया पहले 25,000 से यहाँ पे, फिर क्रेडिट कर दिया 25,000 से, ओके? फिर यहाँ पे वापस डेबिट कर दिया 25,000 से, फिर यहाँ पे डेबिट कर दिया 1,000 से, फिर क्रेडिट कर दिया 5,000 से, तो कितना बैलेंस बचा, बैलेंस बच रहा है 21,000। तो जो नया बिल है दैट इज ऑफ 21,000 रुपीज, ठीक है? इस तरह अगर आप बनाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी बच्चों। अभी 21,000 का एक्सेप्टेंस मिला है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुलोचना 21,000। सो नेक्स्ट एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,000 टू सुलोचना अकाउंट 21,000, नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर द न्यू बिल, ठीक है? और लास्ट क्या दिया गया है हमें, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट सुलोचना रिटायर्ड द बिल फॉर 20,200, मतलब 21,000 का बिल था, सुलोचना ने पहले दे दिया 20,200 अमाउंट दे दी, मतलब 800 रुपीज का क्या है, हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ रिबेट,
हमने उसे रिबेट अलाउ किया क्योंकि उसने हमें पैसे एक महीने जल्दी दे दिए, सो रिबेट बिकम्स माई लॉस। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 20,200, रिबेट अकाउंट डेबिट 800 टू बिल्स रिसीवेबल। गलती से टू सुलोचना मत कर देना, ठीक है। 21,000 नरेशन बीइंग पेमेंट रिसीव्ड वन मंथ बिफोर द ड्यू डेट एंड रिबेट अलाउड, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गया यहां तक बच्चों। अभी लास्ट पार्ट क्या बचा है, हमें जर्नल का डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेनी है, सो लेट अस डू दैट। हमारी टोटल यहाँ पे आ रही है 1,48,000। जिस किसी ने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया और सब सही सॉल्व किया, यू डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। अगर कोई भी आपको डाउट है वाइल सॉल्विंग, आई होप ये एक्सप्लेनेशन में आपको सब क्लियरली समझ गया होगा। इफ यू हैव फर्दर डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर में से। प्लीज एंश्योर दैट यू कम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग इट ऑन योर ओन, सो दैट जब हम आगे डिस्कस करेंगे सो यू कैन फाइंड आउट कि आपको कहाँ कहाँ डाउट्स आ रहे हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।